आज बनाने वाले हैं रसमलाई। रसमलाई हम लोग अपनी घर वाली बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, 1 लीटर दूध लेना है, 1 लीटर दूध को उबालना है। जब ये अच्छी तरह उबल जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर 2-4 उबाले आने देंगे। ये देखिए ज़बरदस्ती बॉयल होने लग गया है हमारा जो है ना। चलें, अच्छा ये देखें दूध हमारा कितना अच्छा सा रिच और बॉयल हो गया। अब मैं इसमें आराम आराम से लेमन जूस डालूंगी कि ये कर्ड बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा आप, दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा इसका। फिर इसको हम स्ट्रेन करेंगे, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इसकी फिर हम ज़बरदस्ती रसमलाई बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ठीक है। इतना लेमन आपने डालना है कि खटास भी ना आए और ज़बरदस्ती हमारी रसमलाई बॉल्स भी बन जाएं। साथ साथ आपने स्टिर करते रहना है। आज बड़ा ठंडा मीठा काम है ना, आज इतनी कोई भी वो फैंसी रेसिपीज नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट देसी फ्यूजन्स। तो फिर वाई नॉट हम इस तरह से इन चीज़ों को इन्जॉय करें। ये रसमलाई के आप लोग आराम से, वैसे बाहर से भी डब्बे मिल जाते हैं, आपको घर पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर सपोज जो जिस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जिनके आसपास नहीं अवेलेबल होती हर चीज़, तो वो घर पे बना सकते हैं, या जिनको जल्दी में बनाना है, आधी रात को भूख लगी है और जी रसमलाई ही खानी है, सो दिस इज़ यू नो समथिंग गुड। इसी तरह ऐसा कर करके हम सारा लेमन जूस इसमें डालेंगे ना, स्लोली स्लोली। आई होप आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, आपको मज़ा आ रहा है। कल हम लोग क्रिसमस स्पेशल कर रहे हैं। क्रिसमस स्पेशल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं और वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे लिए हमारी फैमिली की तरह हैं। सो हम लोगों को उनसे इतना ही प्यार है जितना हमारे अपने दूसरों के साथ प्यार होता है। बिकॉज देखो कम्युनिटी इज़ डिफरेंट बट दिल तो एक ही है ना, इंसान तो सभी यूँ हैं और प्यार इखलाक सबका बराबर होता है, तो वाई नॉट कि हम उन लोगों को भी सेलिब्रेट करें, मिलके सेलिब्रेट करें। कल हम लोग बनाने वाले, क्योंकि मैं नहीं बेकिंग की तरफ को नहीं हूँ, सो आई डोंट वांट कि मैं बेक कर रही हूँ, केक्स बेक कर रही हूँ या कुकीज़ बना रही हूँ या वही ट्रेडिशनल क्रिसमस की चीज़ें बना रही हूँ। मैं क्रिसमस बनाना चाहती हूँ हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के लिए, हमारे उन सारे पाकिस्तानियों के लिए जो यहाँ पर रहते हैं और जो यहाँ पर डिनर्स बनाते हैं और हर कोई केक और कुकीज़ नहीं बनाता। सो आई एम कमिंग अप विथ समथिंग वेरी कॉमन एंड वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल आई गॉट टू नो फ्रॉम माई एडी के उनके वहाँ पर क्या क्या डिनर में बनता है। उनके वहाँ पर बनते हैं प्रॉन बिरयानी बनती है और ना गजरेला बनता है, ठीक है। अब मैं प्रॉन बिरयानी की थोड़ी सी हट के रेसिपी लेकर आ रही हूँ, थोड़ी सी हट के रेसिपी होगी, नॉर्मल रेसिपी से थोड़ी सी हट के होगी, और साथ में मैं बनाने वाली हूँ गजरेला क्रीम टार्ट्स, ठीक है। अब वो क्रीम टार्ट्स का ये ना कि वो थोड़े से अलग होंगे, आप हैंडी होंगे, आप अपना अपना टार्ट उठाएं और आप उसको इसी तरह आप उसको हाई टीम इंजॉय कर सकते हैं, आप उसको डिनर में रख सकते हैं, जिस तरह से भी करें। ये देखिए हमने छान ली है, आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कॉटेज चीज़ निकली है ना। अब मैंने इसमें से अच्छी तरह पानी स्क्वीज़ करना चाह रही हूँ और ये क्योंकि अभी गर्म है तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ, तो मैंने क्या किया है देखें, नीचे ये रखा है, इसके ऊपर स्ट्रेनर रखा है और आराम आराम से हम इसको इसका पानी निकाल लूँगी, ठीक है। थोड़ी देर ये होने भी लगेगा ना, हम अभी क्या करेंगे जब तक ना इसकी जो दूसरी क्रीम है ना रसमलाई की वो रेडी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका पानी स्क्वीज हो जाए अच्छी तरह, फिर इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और आपके सामने फटाफट रसमलाई बनाऊँगी। ये देखिए इतना सा है टोटल, एक लीटर दूध से ये निकला। मैं आपको थोड़ा सा बनाना सिखा रही हूँ, मैं इतना सारा नहीं बना रही, इसलिए इतना बहुत है मेरे हिसाब से। हमें प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट छोटे छोटे रसमलाई बनानी, हमें बड़ी रसमलाई बनानी भी नहीं है। मैं ना वन बाइट वाली बनाना चाह रही हूँ कि आप इस तरह से पकड़ के वो ना करें, आप जस्ट यू नो विद अ स्पून थोड़ा सा वेस्टर्न लुक देना चाह रही हूँ, तो विद अ स्पून यू जस्ट टेक वन रसमलाई एंड यू ईट इट। चलें ये हम इधर करते हैं, इसको थोड़ा सा यूँ रखते हैं ताकि आपस में, क्योंकि एक मीठा एक नमकीन है। अच्छा जी, अब रसमलाई की क्रीम बनानी है ना हमने, क्रीम के लिए हम लोग ये वाला ले लेते हैं पैन। सॉस बनानी है, मीठी सॉस, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ दूध,
उसी तरह अभी दूध उबलेगा, फिर इसके अंदर हम लोग चीनी ऐड कर देंगे, फिर इसके साथ इलायची है, ये देखें हमने इलायची अच्छी तरह पीस के रखी है, फिर इसमें डालेगा कंडेंस्ड मिल्क जो इसको थोड़ा सा चेंज देगा, और क्रीम, फुल क्रीमी रिच रसमलाई आज हम बना रहे हैं अच्छी सी, ठीक है। और फिर बस दैट्स इट। ये नमक इसका नहीं था, नमक मैंने चावलों के लिए मंगवाया था, मैं चाहती थी थोड़ी सी प्लेटिंग भी हम कर लें, ठीक है। जैसे ये उबाल में आएगा हम इसके अंदर चीनी वीनी सब कुछ डालना शुरू कर देंगे और पानी भी ऐड करेंगे, ठीक है। पानी मैंने ज़रा अभी से डाल देती हूँ ताकि वही जब अच्छा पानी में क्यों डालती हूँ दूध के साथ, क्योंकि मुझे ये होता है कि जब दूध में उबाला आता है ना तो दूध खुश्क हो, ठीक है, खुश्क होकर वो आधा हो जाता है, जब आप पानी डालते हो ना और उबालते हो दूध को तो वही होता है कि वो पानी खुश्क होता है, दूध नहीं खुश्क होता, फिर वो दूध ना क्रीमी हो जाता है और सही रिच फ्लेवर में हो जाता है। अच्छा ये देखें ये हो रहा है, ये ठंडा भी वैसे हो गया, मैं ना हाथ में ग्लव्स पहन लेती हूँ, फिर ना मैं आपको साथ में करके दिखाती हूँ। ये हमने ग्लव पहन लिया, साथ में हम इसको हाथ से अप करते हैं अच्छी तरह, ये देखें कितना सारा निकल गया, इसको हम करेंगे फिर हम स्क्वीज करेंगे अच्छी तरह, ये देखें है ना अच्छा अच्छा ज़बरदस्त हो गया है ना काम, ये देखें अच्छी तरह इसमें से हम वो सारा इसका निकाल लेंगे, वो जैसे ही होता है ना फटाफट उसको बनाना शुरू करते हैं, बड़ा इजी है उसका, वो इतना मुश्किल नहीं है, बड़े मज़े का वो है। अच्छा आपने ना जिस तरह अगर आप ले रहे हैं ना आधा लीटर दूध ले रहे हैं तो उसमें आपने 1/4 कप वाटर डाल लें, अगर आप 1 किलो दूध ले रहे हैं तो आप उसमें आधा लीटर दूध, वो क्या कहते हैं 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो उसमें अपने आपने क्या आधा जो है ना लीटर वो आपने पानी डालना है, ठीक है। ये देखें ये हमारा अच्छे से स्ट्रेन हो गया, एक नज़र हम लोग अपने ज़रा अनियंस पे भी डाल दें, अनियंस भी हमारे बड़े ज़बरदस्त से बन रहे हैं, उसके अंदर से चीज़ निकल के ऐसे स्पाइल मेल्ट हो रही है अच्छी से, बड़ी वो अच्छा वो मज़ा आ रहा है देखकर। अभी हमारे पास टाइम भी है, ठीक है, ये आराम आराम से अपने बन रहे हैं, एंड में हम सिर्फ ऊपर का ऑन करके इसको प्यारा सा ऊपर से कलर दे देंगे। चलें जी हमारा ये भी ऑलमोस्ट हो गया, इसको थोड़ा सा और हम प्रेस करके अच्छी तरह इसमें से देखें अच्छी तरह आपने निकालना है, ये देखें अभी निकलेगा इसमें से पानी निकला, आराम करेंगे, हो गया ऑल स्ट्रेन्ड, क्यूट सी छोटी छोटी बॉल्स बनेंगी, उसके हिसाब से ना इतना बहुत है अभी, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी आ जाएगा, ये देखें अभी देखें जुड़ गया है ना, क्यों अभी इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो ये बिल्कुल जुड़ जाएगा, ज़बरदस्त सा जुड़ जाएगा कॉर्नफ्लावर, मैं अभी से इस पर रख लेती हूँ। अच्छा वो भी आपने देखना है अगर आपको और कॉर्नफ्लावर चाहिए, अभी मैं ये तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, और मैंने क्या किया कि उसके ऊपर ही डाल दिया। चले जी ये हम इसमें डालते हैं, और देखें वो दूध हमारा उबलने लग गया है, उसमें हम चीज़ें डालते हैं सारी और उसको हल्की आँच पर हम पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर चलते हैं एक रीकैप ब्रेक की तरफ, जाके आप ज़रा देखें कि आज हमने क्या किया और किस किस तरह से किया। ये देखिए दूध उबल रहा है, शुगर डाल दिया, इलायची का पाउडर, अच्छा ये डल रही है इसके अंदर पिस्ता, अब इसको हम हल्की आंच पर थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए और अच्छे से पकने के लिए, अगर आप चाहें तो चीनी और ज़्यादा डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है हमें इतनी चीनी की, ये मैंने एक्स्ट्रा चीनी रखी थी कि अगर ज़रूरत पड़े तो डालनी है। ये देखें ये हमने छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बनाए हैं, वही 1 बाइट, मैं थोड़े से बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है ना, ठीक है ये आखिरी है, ये अब हम इसमें करेंगे, दैट्स इट, चले इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको अच्छी तरह फ्लैट करेंगे क्यूट क्यूट से, देखिए छोटे छोटे ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, ये हमने उबलते हुए दूध में डायरेक्ट डाल दिए थे, थोड़ी देर हम इसको दूध में उबालेंगे कि हल्का सा हम करेंगे ज़्यादा नहीं, उसके बाद इनको हम निकाल के डिश में डाल देंगे, फिर बाकी जो हमारा ये एक मिक्सचर है ना इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम, कंडेंस मिल्क और ज़ाफ़रान, ये देखिए कितना प्यारा सा ज़ाफ़रान मैं लेकर आई हूँ, ये हम ना ऊपर बल के डाल देंगे क्योंकि पहले ही थोड़ा सा। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको ज़रा टिप दे दूँ, अगर आपके रसमलाई नहीं जुड़ती ना तो आपने क्या करना है उसके अंदर थोड़ा सा ड्राइड मिल्क डाल देना है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, या तो आप डायरेक्ट उबलते हुए दूध में डालें वरना शीरा बनाएं, उबलता हुआ जो पानी वाला शीरा होता है ना उसमें आपने फ़ौरन डाल लें वरना वो हार्ड हो जाएंगे, वो वाली फॉर्म नहीं देंगे, ठीक है।
अभी इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओ अनियंस भी रेडी हैं हमारे, गुड हो गया, हो गए अच्छे से, ना हार्ड है, देखिए बड़े मज़ेदार से सॉफ्ट सॉफ्ट है, ये होम मेड है, सही है, ये वो नहीं है जो आप लोग लेते हैं ना वहाँ से बने बनाए लेते हैं और सारा कुछ। सो ये इसी तरह के शेप्ड होंगे, ज़्यादा फैंसी नहीं करना आपने, बस आप इन ये छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। मैंने सिर्फ इतनी सी इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, सही। इसकी आंच थोड़ी सी हम नॉर्मल करते हैं, ये थोड़ी देर पकते हैं, इसको हम यहाँ रखेंगे और इसमें हम डाल देंगे क्रीम, कंडेंस मिल्क और इसको हम थोड़ा सा और पकने देंगे, फिर बस फिर रसमलाई में ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको ना इस तरह से कर लेती हूँ ताकि इसकी कंडेंस मिल्क सारा निकल आए। याम, फुल ऑन क्रीमी, फुल ऑन क्रीमी जी हमने बना दिए और देखिए ऑन टाइम बनाए। इसको आप चाहें तो जितना भी आप गाढ़ा करना चाहें, इसमें और क्रीम ऐड करनी है आप और क्रीम ऐड कर दें, इसको आपने पतला रखना है इसको आप पतला रखें, जिस तरह से आपको दिल करता है ना आप अपनी रसमलाई में उस तरह से इजीली कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको और भी पतला कर सकते हैं, देखिए इसका बहुत ज़बरदस्त सा अभी रसमलाई देखिएगा और फूल जाएगी क्योंकि इसमें इसका वो डल रहा है ना, दूध डल रहा है कि इसने अभी अपना और वो देना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब ये ठंडा होगा, ये और गाढ़ा हो जाएगा, अभी ये गरम गरम है, इसको हमेशा ठंडा ठंडा खाते हैं तो ये अभी होगा ना तो ये और गर्म हो जाएगा, ज़बरदस्त है वो टेस्ट देगा। इस पर हम डालते हैं खूबसूरत सा ज़ाफ़रान अंदर, बाकी हमारे पिस्ता तो वैसे ही अच्छे से तैर रहा है। अब ये हम ठंडा करने के लिए रखेंगे क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क डला है, कंडेंस मिल्क डलने की वजह से ना ये हो जाएगा अच्छी तरह गाढ़ा, फिर ये असल लुक देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो।